The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So talking about minerals, okay? So what do you need to know about minerals, right? Duniya ke sabse zaruri minerals kya hote hain? Aur mineral hote kya hain? What is the difference between a mineral and a vitamin? See, mineral aapki body ke liye bahut important hai aur healthy rehne ke liye bhi bahut important hai. Aapki body mein कई सारे मिनरल्स आते हैं, कई सारे डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, जिससे कि आपके हड्डियां, बोन्स, मसल्स, हार्ट, ब्रेन प्रॉपर वर्क करता रहता है. और मिनरल्स एंजाइम्स और हॉर्मोन्स बनाने में भी काम आते हैं. और दो प्रकार के मिनरल्स होते हैं, दो. एक होता है मैक्रो मिनरल्स. मैक्रो मिनरल्स का मतलब है जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, अ लॉट ऑफ देम. एक होता है ट्रेस, यानी ट्रेस, नॉट माइक्रो, ट्रेस मिनरल. ट्रेस मतलब बहुत ही कम चाहिए, राइट? और मैक्रो मिनरल ज्यादा अमाउंट में चाहिए, ट्रेस मिनरल बहुत कम अमाउंट में. ज्यादा अमाउंट में जो चाहिए, उनमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका कैल्शियम, फॉस्फरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड सल्फर. सो ये सारे हैं मैक्रो मिनरल्स. और जो बहुत नाम मात्र ट्रेस अमाउंट में चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जरूरी नहीं है. इसका मतलब ये कि वो बहुत ज्यादा हो सकता है, उनकी एक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि तो रत्ती भर भी काफी होता है. तो वो होते हैं आपके आयरन. जी हाँ, आयरन इज अ ट्रेस मिनरल, लेकिन फिर भी बहुत जरूरी है. देन मैंगनीज, कॉपर, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोराइड एंड सेलेनियम. ये बहुत जरूरी मिनरल्स होते हैं जो ट्रेस में चाहिए. और आज हम बात करेंगे इन सारे मिनरल्स में सबसे जरूरी कौन से हैं. ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको सही मात्रा में ये अमाउंट चाहिए मिनरल्स का, तो आपको वैरायटी ऑफ फूड्स खाना पड़ेगा और कुछ केसेस में मिनरल्स के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे अगर आप में कमी निकल के आती है तो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, और कभी कभी कुछ प्रकार के मिनरल्स कम भी खाने पड़ते हैं. जैसे अगर किडनी प्रॉब्लम है, किडनी की डिजीज है, तो उनको पोटेशियम कम खाने के लिए बोला जाता है डॉक्टर के द्वारा. लेकिन मिनरल्स के बारे में जितना बोला उतना कम. ये विटामिन्स नहीं है, वाइटामिन्स नहीं है. सो वाइटामिन्स ए, बी, सी, डी, बी 12, बी, सी, ये सारे वाइटामिन्स होते हैं. मिनरल्स ये सारे जो हमने बताए. सो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मिनरल्स में जो सबसे जरूरी है, नंबर वन थिंग, गेस करो, कैल्शियम. जी हाँ, कैल्शियम इज द टॉप माइक्रो मिनरल, टॉप मोस्ट माइक्रो मिनरल. जब वो आता है आपकी बॉडी के लिए, आपके बोन्स के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपके इवन हार्ट, सब के लिए कैल्शियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये आपके बोन्स को स्ट्रांग रखेगा. और एवरीथिंग जो आप करते हो, फ्रॉम स्टैंडिंग टू यू नो रनिंग, स्कोरिंग, विनिंग अ गेम, कैल्शियम का काम है उसमें. मतलब खेल कूद में, दौड़ने भाग, एक्टिविटी में, हर एक्टिविटी में कैल्शियम का खूंखार काम है, मतलब धुआंधार काम है. कैल्शियम बहुत जरूरी है भाई साहब. इसीलिए बोन्स में भरे हुए हैं कैल्शियम. देयर इज नो अदर मिनरल इन द वर्ल्ड, इन द बॉडी, जो इतनी मात्रा में है जितना कैल्शियम. जी हाँ, बोन्स में आपके कैल्शियम और फॉस्फरस भरा है. बोन्स, बोन इज बेसिकली अ मिनरलाइज्ड बोन, मिनरलाइज्ड टिश्यू, मिनरल, उसमें कैल्शियम सबसे ज्यादा भरा है. और जब खून में कैल्शियम कम हो जाता है तो बोन से निकल के खून में होता है, क्योंकि कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए. आप खाओ ना खाओ बोन से ले लेंगे. बोन कमजोर हो जाए, बोन दुखे, बोन टूटे, हमें कोई लेना देना नहीं है. हड्डी, बोन, शरीर कहता है कैल्शियम चाहिए. कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट. दांतों के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक बॉडी के सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है. कैल्शियम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो कैल्शियम कहां से मिलेगा भैया? कैल्शियम मिलेगा सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट से. जी हाँ, मिल्क, चीज, योगर्ट, दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ. सेकेंड, यू गेट कैल्शियम फ्रॉम फिशेज. जी हाँ, सैल्मन, सार्डीन्स, जो फिशेज हैं उनमें आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली, जैसे स्पिनिच, ऐसी चीजों से कैल्शियम मिलेगा.
और कैल्शियम फोर्टिफाइड फूड से मिलेगा, जैसे कि सीरियल्स और क्रैकर्स. सो कैल्शियम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल इज अ ट्रेस मिनरल. जी हाँ, इट्स अ ट्रेस मिनरल, दैट इज आयरन. जी हाँ, आयरन, यू नो आयरन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर हीमोग्लोबिन. को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आपके लंग से आपकी पूरी बॉडी को करने वाला जो आयरन पोरफायरिन रिंग है, रिंग है हीमोग्लोबिन के अंदर, आरबीसीज के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर, वो आयरन से बनता है. सो आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, नंबर वन कॉज ऑफ एनीमिया इन इंडिया, इन डेवलपिंग कंट्रीज. सो आयरन आपका बहुत जरूरी है, आयरन चाहिए हीमोग्लोबिन में. आयरन का रिंग, आयरन पोरफायरिन रिंग बोलते हैं आयरन का रिंग बनाने के लिए, जो कि ऑक्सीजन पकड़ लेता है और आपके सारे शरीर को ऑक्सीजन एनर्जी वही देता है. सो आयरन इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आयरन की कमी हर सिस्टम बॉडी का दिक्कत देगा, हर जगह खून कम, ऑक्सीजन कम जाएगा, यू लेवर प्रॉब्लम. हार्ट अटैक नहीं आने वाले को अटैक आ सकता है, जिसकी नस थोड़ी बहुत बंद है वहाँ और कम है तो खून में ऑक्सीजन नहीं है तो और दिक्कत आ, सिम्टम आ सकता है. सो आयरन की कमी में बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट. सो आयरन कहाँ से मिलेगा? आयरन मिलेगा मीट से, रेड मीट, बीफ में ज़्यादा होता है, लिवर में ज़्यादा होता है, ऑर्गन मीट में, लेकिन मीट में होता है, फिश में होता है, टूना, सैल्मन, एग्स में होता है, वेज में भी होता है, वेज में, वेजिटेरियन फूड्स में, बीन्स में होता है, बेक्ड पोटैटो जो उसमें हो ज़्यादा होता है, और स्किन के साथ खाएंगे तो और भी ज़्यादा होता है. ड्राई फ्रूट्स, रेजिन्स उनके साथ, उसमें ज़्यादा होता है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी आयरन होता है, ब्रोकली, स्पिनच, और होल एनरिच्ड ग्रेन्स जो वीट एंड ओट्स, ये सारी चीज़ों में जो इनमें होता है, ज्वार बाजरा, इनमें भी होता है, आयरन होता है. सो आयरन इज नीडेड. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल इज पोटेशियम. जी हाँ, पोटेशियम कीप्स योर मसल्स एंड योर ब्रेन, योर नर्वस सिस्टम वर्किंग प्रॉपरली, एंड योर हार्ट. हार्ट के लिए भी पोटेशियम बहुत ज़रूरी है. पोटेशियम अगर ज़्यादा हो जाए तो हार्ट में रिदम प्रॉब्लम, कम हो जाए तो रिदम प्रॉब्लम आ सकता है, हार्ट के पेशेंट्स को दिक्कत हो सकती है. सो कहाँ से मिलेगा पोटेशियम? पोटेशियम रिच फूड कौन से हैं? बनानास, बनाना, केला, टमाटर, टोमेटो, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, चमड़ी के साथ, सॉरी, स्किन के साथ खाओगे पोटैटो तो ज़्यादा मिलेगा आपको पोटेशियम. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच, ब्रोकली, उसमें भी है. सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंजेस, दूध में, योगर्ट में, लेग्यूम्स में जैसे बीन्स, स्प्लिट बीन्स या लेंटिल्स, उनमें भी आपको अच्छी मात्रा में पोटेशियम मिलेगा. याद रखिए, किडनी की बीमारी वाले पेशेंट्स को कैल्शियम कम खाना होता है, कम, याद रखिए. उसके बाद पोटेशियम कम खाना होता है. तो हो गया कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम. फोर्थ, टॉप फोर, जो चौथी नंबर पर आता है मिनरल, वो कौन सा है? जिंक. जी हाँ, जिंक इंपॉर्टेंट है आपके इम्यूनिटी के लिए. आप बीमार नहीं पड़ोगे, आप वायरस से, वायरस का इन्फेक्शन होगा नहीं होगा, होगा तो आप जल्दी ठीक होगे कि नहीं होगे, सब डिपेंड करता है आपके जिंक कंटेंट पे. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जिंक. नॉट ओनली जस्ट जिंक, बट जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी सिस्टम टू फाइट इन्फेक्शन, इलनेस, बीमारियां. ये आपके सेल ग्रोथ में भी काम करता है और वूंड हीलिंग में भी काम करता है. जो कट्स हो जाए, कभी कुछ हो जाए तो हीलिंग में भी काम करता है भैया. तो जिंक बहुत जरूरी है, याद रखिए. जिंक और आयरन ट्रेस मिनरल्स है, ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए लेकिन चाहिए. तो उसका मतलब क्या है? क्या हम गिन गिन के खाएंगे? नहीं, इसका मतलब जिन भी चीजों में ये चीज ज्यादा पाई जाती है वो अपने डाइट में इंक्लूड करो. इंक्लूड डज नॉट मीन कि नहीं खाना है, मतलब ज्यादा खाना है, मेन चीज है इंक्लूड करिए. तो क्या है जिंक, किसमें मिलेगा? नॉन वेज, आपको डार्क मीट, चिकन, पोर्क, बीफ, इनमें मीट जिंक मिलेगा ज्यादा. चिकन में भी होता है, फिश में भी होता है, नट्स में होता है, ऑर्गन मीट्स में, लिवर, किडनी जो खाते हैं, लिवर खाते हैं, कलेजी, उसमें होता है, नट्स में होता है, कैश्यू, ऑलमंड्स, पीनट्स, मूंगफली में भी होता है, दालों में होता है, हर प्रकार की दाल, बीन्स या स्प्लिट बीन्स, हर प्रकार की दाल में होता है. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर, टॉप फोर आपके जो मिनरल्स है जो आपको चाहिए. सो जब आप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं ले पाते हो तो आपको दिक्कत होने लगती है, खासकर ग्रोइंग एज में. तब आपको हो सकता है वीक बोन्स, बॉडी पेन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे सिम्टम्स आए. सिम्टम्स के बारे में भी बात करेंगे
very soon. So if you have any questions, please ask your questions and make sure to keep liking all our videos. और सारे वीडियो पे लाइक दबाते जाना है, दबाते जाना है, दबाते जाना है, दबाते जाना है, जब तक लाइक का बटन टूट ना जाए, और ताकि भाई साहब वीडियो सबके पास जा सके, सबको मिल सके. थैंक यू सो मच.